हिरोशिमा में पीएम मोदी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हुई और उसमें 5 मुख्य बातें हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत और मैं व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से इस हालात को दूर करने के लिए अपनी क्षमता में जो कुछ भी हो सकता है वो हम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वो जो 5 बातें थी उनमें से पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए यह कोई राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता का और मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। दूसरा, पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों के सुरक्षित निकासी में यूक्रेन के सहयोग की सराहना की और यूक्रेन की संस्था की और छात्रों के लिए भारत में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय का स्वागत किया है। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस संघर्ष खत्म करने और आगे का रास्ता खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति के लिए भारत के स्पष्ट समर्थन से अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि समाधान के लिए भारत और प्रधानमंत्री खुद अपने साधनों की सीमाओं में सब कुछ करेंगे। चौथा आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेगा। और सबसे लास्ट, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी और दोनों पक्ष संपर्क बनाए रहने पर सहमत हुए हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जेलेंस्की और नरेंद्र मोदी के बीच। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।